शुभांकी गौतम और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डी के बारे में रिसेंटली बैंगलोर में एक इवेंट हुआ था जहां पे नंदन नीलेखानी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अपेरेंटली ओ की वजह से डेमोक्रेटाइजेशन होगा ई कॉमर्स का भारत में अगर हम बात करें ओ की तो क्या नंदन नीलेखानी के स्टेटमेंट की वजह से हम ये समझ सकते हैं या हम ऐसा Assume कर सकते हैं है, इन e की की है, है, दूसरा चीज क्या है ये ओ इसको बनाने का क्या रीजन था जब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे ई कॉमर्स वेबसाइट हिंदुस्तान में है तो so, रिसेंटली नंदन नीलेखानी जो कि चेयरमैन है यू के विच इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया

अगर ओ की हम बात करें तो ये है क्या ओ e e एक ऐसा फ्रीली एक्सेसिबल गवर्नमेंट बैक प्लेटफॉर्म होगा जिसका सबसे प्रोमिनेंट काम होगा कि हम कैसे प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल से एक ओपन नेटवर्क की तरफ जा पाए टू बाय एंड सेल वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम ओ की बात कर रहे हैं तो इसको एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्शन एट कंपनी के सेटअप किया गया था जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था uh, like, uh, मेजर का uh, काम ही यह था कि हम कैसे ई e कॉमर्स को डेवलप कर सकते हैं अगर हम बात करें ई कॉमर्स e की तो इसको यूपीआई ऑफ ई कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है और क्या ऐसा पॉसिबल है इन द नियर फ्यूचर यादर फॉर द ई कंपनीज इसमें आ जाए या रिप्लेस कर दे ओ एन डीसी की अगर हम बात करें फ्रीली फ्रीली एक्सेबल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म होगा जो कि लोगों के लिए आसान कर देगा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड को कैसे क्रिएट किया जा सकता है फॉर ऑल द स्मॉल ट्रेडर्स जिनका धंधा बंद हो गया जिनके मार्केट में जिनके बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ एमेजोन एंड फ्लिपकार्ट जैसे प्लेस अगर ओ के उद्देश्य की बात करें इसके सबसे प्रोमोनेंट एम की हम बात करें इट वॉन्ट्स टू प्रमोट द ओपन नेटवर्क जहां पे जितना भी एस्पेक्ट है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी तरीके से या जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है उस पर काम कैसे किया जा सकता है अलॉन्ग विद डैट ओ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस डिरेक्शन में देखा जाता है कि कैसे ई कॉमर्स स्पेस को डेमोक्रेटाइज किया जाए जो भी मल्टीनेशनल प्लेयर्स इंडिया में रन कर रहे हैं अंडर द ई कॉमर्स वेंचर्स उनको रिप्लेस करके <coughs> रादर उनकी मोनोपोली को खत्म करके हम कैसे स्मॉल ट्रेडर्स को भी एक मौका दे सकते हैं उठने का किस रीजन की वजह से ओएनडीसी को लेकर आए क्या थे वो फैक्टर्स जिसकी वजह से ओएनडीसी का निर्माण करना पड़ा मतलब हमारे पास जब ऑलरेडी फ्लिपकार्ट तो और एमेजॉन काम कर कर रहे हैं एंड दे आर नॉट हर्टिंग एनीवन तो क्या रीजन था इस फिगर से अगर आप देखोगे दिवाली का जो 2021 का सेल वेल हुआ और वहां पे आप देखोगे ई कॉमर्स प्लेस का मार्केट साइज द शेयर मार्केट साइज कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ही सिर्फ 9 बिलियन से ज्यादा 9 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सेल हुआ है जिसमें 32 परसेंट एमेजॉन इंडिया और 62 परसेंट का शेयर था फ्लिपकार्ट का बाकी के स्मॉल ट्रेडर्स के पास ग्रोथ सेल्स का मिनिस्क्यूल पार्ट था लाइक like, आप फ्रॉम द फिगर देख सकते हो मुश्किल से तीन से चार परसेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिस वजह से ओएनडीसी का निर्माण हुआ वो यही था कि कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड को लाया जा सकता है इन स्मॉल रिटेलर्स के लिए ताकि ये जो बेचारे चार परसेंट का मार्केट सेल या मार्केट शेयर लेके बैठ रखे इनको इससे ज्यादा मिले स्मूदन हो जाए ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रोसेस ऑनलाइन फॉर सच स्मॉल रिटेलर्स एंड ट्रेडर्स टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस मिले ताकि इनके प्रोडक्ट्स भी अलग, अलग अलग कोनों में भारत के जा जापान एक डिजिटल इको ओपन हो जाएगा अक्रॉस ऑल द की सेक्टर्स साथ ही साथ में नॉन कॉम्पिटेटिव बिहेवियर जो है बिग ई कॉमर्स फॉर्म्स का उसको हम हटा सकते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से जो रफली 810 बिलियन डॉलर के अराउंड का एक डोमेस्टिक रिटेल मार्केट है जिस पे अभी और कब्जा करके बैठा है वो हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं फॉर अदर प्लेयर्स वेल इसी के साथ साथ जो बिग टेक कंपनीज है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज को वायोलेट करती रहती हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट रूल्स को वायोलेट करती रहती है विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स क्योंकि उनके पास मार्केट पावर मैक्सिमम है हम वो सब हटा सकते हैं उनपे सब पे काबू पा सकते हैं जो पे हम एक डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को एक साथ लेकर आ जाएंगे इसी के तहत ओ का एक सलाहकार परिषद है, है जिसका प्राइमरी रोल है कि अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉमर्स एक्सेट्रा जहां पे जो कन्वीनर होगा ओ एडवाइजरी काउंसिल का वो एक एडिशनल सेक्रेटरी होता है द पर्टिकुलर पर्सन इज एन आई ऑफिसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ओ के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या काम करता है ओ एनडीसी किस मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है इज समथिंग कॉल्ड एज द फ्री सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी जो कि प्रोटोकॉल या पे डिपेंडेंट है एक इंटरऑपर इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल है जो कि डी डिजिटल कॉमर्स से एसोसिएटेड है एंड इट प्रोवाइड अनोनमस एग्रीगेटेड डेटा जिसको जनरेट किया जाता है फ्रॉम वेरियस नेटवर्क की अगर हम बात करें इट इज यूजिंग फ्री सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी जहां पे आर ओपन एंड इज नेटवर्को ओ एन डीसी में जो कंज्यूमर्स हैं मर्चेंट्स हैं ट्रांजेक्ट कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज को भी ओपन प्रोटोकॉल और इनको किसी भी सेंट्रल प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ओ एन डीसी की अगर काम करने के तरीके को हम देखेंगे तो ओ एन डी सी ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट पे या सिमिलर फॉर्मेट पे काम करते हैं जिसपे हमारा यूपीआई चलता है यहां पे क्या होगा कि जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं कंज्यूमर्स हैं अपने ट्रांजैक्शंस को यूजुअल की तरह कैरी आउट कर पाएंगे यूजिंग एनी कंपैटिबल एप्लीकेशन ऑफ चॉइस बायर साइड एप्लीकेशन उनको इंश्योर करेगा कि बायर सर्च कर पाए उस प्रोडक्ट के लिए जो भी उनको खरीदना है गेटवे अलाउ करेगा डिस्कवरेबिलिटी कि जहां पे जितने भी सेलर्स है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कैटेगरी वाइज लोकेशन अवेलेबिलिटी कस्टमर प्रेफरेंस वाइज वो उनको मिल जाए और सेलर साइड होगा जो एप्लीकेशन का वो बायर के रिक्वेस्ट को कौन से कौन से सेलर्स हैं सेलर का कैटलॉग गुड्स एंड सर्विसेज का कैटलॉग और कैसे बायर की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं इसको दिखाया जाएगा टर्म्स ये पेमेंट इंटरफेस की तरह काम करेगा पेमेंट को वैसे ही फेसिलिटेट किया जाएगा और एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ ई मेल इस प्लेटफॉर्म को लेकर ही इसलिए लाए गए थे ताकि बायर साइड के लिए भी एक पेटीएम की तरह यह काम कर सकता है एंड देयर लाइफ कैन बी इजी जिससे जो मैक्सिमम मार्केट शेयर होगा हम कोशिश करना चाहते हैं जहां पे अभी ई e कॉमर्स बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनीज टाइगर की तरह बैठे हैं उस पार्ट को हम कैसे ईज ऑफ कर सकते हैं और इंडियन बिजनेसेस का इंडियन स्मॉल ट्रेडर्स का मिडिल बिजनेसमैन का उनका फायदा कैसे करा सकते हैं सो so, आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही स्टे ट्यून फॉर मोर एट एन अकेमी लाइक दिस वीडियो शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड डू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरी